Hey guys, a warm welcome to all of you on Supergrad's YouTube channel, right? So today uh, we have bought something very important and special for you, right? So you guys must be aiming for IPM BB 2 exam, maybe 2022 or 23. So these session is going to be very, very helpful, right? Keep watching. Today the session is going to be on data interpretation. Short, we call it DI, right? So a lot of students who are scared of this uh, particular uh, topic or section, you can call it the uh, data interpretation they just fail to understand how to interpret the data or they're not uh, very used to the calculations right they don't find it calculations very easy division multiplication percentages they are scared with it right so day to day session series uh, every week i'll come and we'll take a di session and we'll uh, try to remove all your fears reg uh, uh, regarding this data interpretation right so all set for it let us start Chalo. एक सेट लेकर आए हैं आपके लिए जैसे आईपीएम इंदौर में भी इस बार जो सेट था वो टेबल बेस्ड था लास्ट टू इयर्स से भी अगर आपने फॉलो किया होगा आईपीएम इंदौर का पैटर्न तो इट इज ऑल टेबल बेस्ड सो हमने सोचा कि चलो एक बिगनिंग के लिए एक थोड़ा सा इजी टाइप का सेट लेकर आते हैं आप लोग के लिए ताकि आपको एक आई ओपनिंग हो जाए कि यार ऐसे ऐसे सेट्स अगर हमसे बनेंगे तो धीरे 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 हम इसे आईपीएम इंदौर के भी सेट्स बनेंगे राइट पहला सेशन है डे टू डे का सो वी इट फाइन इट की हम सीधे हैवी सेट लेकर आपके पास आ जाए बट अगर आपको ये समझ में आएगा और ऐसे आप आ, आ, हर थर्सडे को हम लोग डे टू सेशन आएंगे और एक डी आई सेट आ, जो रिलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाले सेट्स हम लोग लेकर आएंगे एंड आपको सिखाते जाएंगे कि इसको कैसे करते हैं कैसे रीड करते हैं ताकि आपका जो फियर है वो धीरे धीरे हटता चले एंड यू एक्चुअली कैन डेयर टू क्रैक इट द डेटा इंटरप्रिटेशन लेट इज स्टार्ट सो आपके स्क्रीन पे यू कैन सी सेट और उसके नीचे लाइक लास्ट में एक क्वेश्चन है Right, you read it, and this is being premiered. You can check it out if you can do it simultaneously along with me. I'm reading it for you. This set is all about a professor. Right, he prepares a chart of his students on the basis of their performance and gender. Right, male, female. The data is kept on a computer disk, but unfortunately, some of it is lost because of a virus. Only the following could be recovered. table. राइट right, उतना ही रिकवर हो पाया इज इज टेबल टॉकिंग अबाउट सो परफॉर्मेंस बोल रहे हैं परफॉर्मेंस तीन इसमें डिवाइड किया हुआ है एवरेज परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस एंड एक्सलेंट परफॉर्मेंस एंड जेंडर बेस पे मेल फीमेल है नीचे टोटल दिख रहा है हमको राइट right? और यहाँ पे भी अगर हम कॉलम्स uh, का एडिशन करें तो भी यहाँ पे टोटल दिख रहा है टोटल कॉलम वाइज भी टोटल है और रो वाइज भी टोटल दिया हुआ है राइट सो नीचे और क्या इंफॉर्मेशन है लेट्स सी पैनिक बटन प्रेस्ड बट टू नो अवेल कोई फायदा नहीं हुआ पैनिक बटन से राइट एन एक्सपर्ट कमिटी वॉज फॉर्म

और uh, नारसी जी और जिपमेट में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है uh, इसका सो यू शुड बी रियली गुड एट दैट राइट समबडडी राइटिंग सी यू सी टी सो उसमें भी सेट्स आते हैं डीआई के राइट सो लेवल बहुत टफ नहीं होता है आई मैट इंदौर का uh, थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है बाकी सब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जस्ट बिकॉज बच्चे को बहुत प्रैक्टिस uh, नहीं होती है राइट right? या फिर उसको अवॉइड करता है वो थ्रू आउट द प्रेपरेशन इसलिए वो उसको स्किप करता है एग्जाम हॉल में तो वी रियली डोंट वांट कि आप लोग स्किप करें राइट right, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सबसे ईजी टॉपिक लगे राइट सो लेट्स सी कैसे करेंगे आप भी ट्राई करें इस चार्ट को पहले हम फिल करने की कोशिश करते हैं हाउ टू फिल दिस चार्ट ओके जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या क्या हमें दिखा गुड uh, पता है टोटल थर्टी गुड स्टूडेंट्स पद फीमेल टोटल दिया हुआ थर्टी टू और बस सब एम टी है राइट मेल एक्सीट थर्ट स्टूडेंट्स ठीक है देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हाफ द स्टूडेंट्स फॉर पॉइंटेंट्स एक्सीलेंट और गुड्स आधे बच्चे या तो एक्सीलेंट है या तो गुड है मतलब थर्टी totally और ये मिला के हाफ बच्चे हो जाने चाहिए आधे बच्चे इनको मिला के हो जाना चाहिए अभी हमें पता नहीं इसको छोड़ देते हैं आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट फोर्टी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स वर फीमेल चालीस परसेंट जो स्टूडेंट्स थे वो फीमेल थे और फीमेल की संख्या मुझे पता है यहाँ लिखी हुई है फीमेल इज ट्वेंट थर्टी टू दैट मीनस इक्वेशन जो बोल रही है इट से इज यहाँ पे लिख देते हैं थर्टी टू परसेंट थर्टी टू जो जो आपको फीमेल कैंडिडेट्स हैं के हिसाब से राइट टोटल स्टूडेंट्स यही है फोर्टीट ऑफ टोटल फोर लिखेंगे और नीचे लाएंगे, करेंगे, सो इट वुड बी एटी है ना ये टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे एटी करेक्ट तो टोटल स्टूडेंट्स आपके एटी आ रहे हैं यहाँ पे आप लिख देंगे 80. सीधी सी बात है मेल और फीमेल ही है राइट फीमेल अगर थर्टी टू है टोटल स्टूडेंट्स स्टूडेंट एटी है सो ऑफ इज राइट सो uh, so बाकी बचे कितना ऑफ वुड बी बच्चों तो मेल टोटल कितने हो जाएंगे 48, वैसे भी इनको जोड़ोगे या एटी में से थर्टी टू सप्रेड करोगे तो भी फोर्टी एट आई जाएगा ठीक है ना इसका मतलब टोटल मेल मेंबर्स कितने मेल स्टूडेंट्स कितने फॉर्टी एट अब देखते हैं आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या चीज निकाल सकते हैं टेबल फिल हो गए सारे क्वेश्चन बनी जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट इज टू फिल द टेबल और क्या देखते हैं हाफ ऑफ इधर एक्सीलेंट और गुड आधे बच्चे अब बच्चे तो हमें पता चल टोटल कितने है? 80 अब आधे स्टूडेंट्स या तो गुड है या तो एक्सीलेंट है ठीक है तो 80 का आधा कितना होता है 40. तो 40 स्टूडेंट्स या तो गुड है या तो एक्सीलेंट है गुड हमें पता है ऑलरेडी 30 इसका मतलब एक्सीडेंट कितने टेन इसका मतलब हाफ थर्टी एन टेन इज 40 फोर्टी इज हाफ 80 डन सो so, ये 10 हो जाएंगे एक्सीडेंट टोटल अगर मेल मेंबर्स एक्सीलेंट मेल देखो एक्सीडेंट देखो टेन है और टोटल देखो तो भी 10 है इसका मतलब फीमेल और एक्सीडेंट कोई नहीं है करेक्ट आगे चलते हैं एक और पॉइंट लिखा हुआ है ऑफ द मेल स्टूडेंट्स एवरेज अब एवरेज मेल ये है तो वन थर्ड ऑफ मेल स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स कितने टोटल फोर्टी एट उनका वन थर्ड एवरेज है तो उनका वन थर्ड कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा क्लियर तो सिक्सटीन एवरेज मेल कैंडिडेट्स हो गए तो बेसिकली हमने इसको भी यूज कर लिया इसको भी यूज कर लिया इसको भी यूज कर लिया अब उसके बाद कुछ डेटा अलग से नहीं अब हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके इस पूरे चार्ट को फिल करना right? so, 48. So, 48 सिंपल कर तो तो तीनों का सम 48 आना चाहिए टेन और सिक्सटीन ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी को माइनस कर लो फोर्टी में से ट्वेंटी आ जाएगा तो दिस इज डन और क्या पता है आप वर्टिकली देख लेते हैं कॉलम वाइज गुड मेल कितने गुड कितने स्टूडेंट्स हैं थर्टी obviously female good students would be eight. Twenty two plus eight is thirty. Done हो गया और क्या बचता है Thirty plus ten is forty. तो यहाँ पे सम रहने के लिए ये भी क्या होगा Forty होगा तो female average would be twenty four. Because this plus this should be forty. ये पूरा चार्ट हमने फिल कर लिया अब मुझे लगता नहीं कि कुछ भी पेंडिंग होगा हमारे लिए हम सब कुछ अब निकाल सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है. हाउ मनी स्टूडेंट आर बोथ फीमेल एंड एक्सिलेंट तो आपको क्या चेक करना है यू जस्ट है फीमेल ऐसे देखो और एक्सीलेंट ऐसे देखो राइट right? तो फीमेल एक्सीलेंट ऐसे ही इसी को मैच करोगे आप यू विल मैच दिस इसको मैच करोगे और आंसर क्या आ जाएगा जीरो ठीक है हम दी स्टूडेंट्स आर बोथ फीमेल एंड एक्सीलेंट तो इसको आप मैच करोगे एक्सीलेंट एंड फीमेल तो इट इज नथिंग आंसर वुड बी जीरो आगे चलते हैं ये चार्ट बार बार काम आएगा तो विल कम बैक टू इट राइट आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए डेटा इज कॉमन बट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है वॉट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल गुड स्टूडेंट्स बोला है उसने उसमें कितना परसेंटेज मेल है राइट फिर से फिल करने से अच्छा वापस ऊपर चलते हैं क्वेश्चन आपने देख लिया वॉट प्रपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल या फिर कितना बोलो, कितना परसेंटेज परसेंटेज बोल लो गुड स्टूडेंट्स का मेल मेंबर है ठीक है मेल स्टूडेंट्स है तो गुड स्टूडेंट पहले चेकआउट करते हैं कितना है पीछे चलते हैं गुड स्टूडेंट्स कितने हैं थर्टी है राइट गुड स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल थर्टी है उसमें से मेल कितना प्रपोर्शन में है कितना परसेंटेज है तो ट्वेंटी टू डिवाइड बाय

ये एट हो जाएगा एट इज वॉट परसेंट ऑफ थर्टी टू सो वन 4 हो गया ठीक है. है. और ये ये क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने है. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से. हाउ मेनी आर बोथ मेल एंड गुड मेल भी होने चाहिए और गुड भी होने चाहिए कोई प्रपोशन कोई परसेंटेज नहीं पूछा तो डायरेक्टली हम लोग जाएंगे मेल एंड गुड पे मेल देखेंगे गुड देखेंगे मैच करेंगे मेल भी हो और गुड भी हो द्वेंटी टू सो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ वैल्यूज मिस आउट हो गई है घुम गई हैं राइट right, uh, उनको फिल करना है बट आप तसली से अगर अपना कॉमन सेंस लगा के चीजें करते जाते हैं करते जाते हैं अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दो तो चारों क्वेश्चन आप देख सकते हैं विद इन फाइव मिनट्स वी आर एबल टू क्रैक इट तो इसी को बोलते हैं हौसला रखो ठीक है डरो मत करो ठीक है डरो मत बट करो कर 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 करके आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और डी आई आपका फेवरेट बन जाएगा राइट सो फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब चैनल एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गाइज एंड कीप वॉचिंग डेली एट ओ क्लॉक पे uh, एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं राइट uh, और कुछ ऐसी चीजें जो आपका भरोसा आपका कॉन्फिडेंस आपका विश्वास जगाएंगे और आपको आ, पूरा इक्विप करेंगे कि आप अपने एग्जाम्स जो भी आप टारगेट कर रहे हैं स्पेशली मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम और जो भी आपके नो एग्जाम्स करियर एग्जाम्स जो भी आप टारगेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से निकले एंड यू गेट इन द टॉप रैंक्स एंड यू रियली गेट इन दू टॉप कॉलेजेस वी रियली वॉन्ट इट राइट चलो टेक केयर बाय 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 टेक केयर थैंक्स थैंक्स अ अ लॉट लॉट गाइस फॉर थैंक्